हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर के पेपर वन के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज देखने वाले हैं। एक्चुअली थोड़ी सी एनालिसिस करने वाले हैं फोर्थ यूनिट के फर्स्ट पेपर की, यानी कि फर्स्ट पेपर आपका क्या है, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और पर्यावरणीय शिक्षा। तो इसमें चौथे यूनिट में दो ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो भी कम से कम 15 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 32 नंबर तक भी सवाल पूछे गए बस इस दो पॉइंट से। वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला है पर्यावरणीय शिक्षा, दूसरा है जनसंख्या। जी हाँ, हर एक साल इन दो पॉइंट से आपके प्रश्न आए हैं, वो भी एग्जाम्स में बड़े बड़े नंबर्स में आए हैं। अब आइए एक बात करते हैं कि देखते हैं कि पिछले 5 सालों में इन दो पॉइंट से प्रश्न पूछे कैसे गए। एक बात की तो मेरी गारंटी है कि इस बार भी आपके क्वेश्चंस में इन दो पॉइंट से एक प्रश्न आएगा, जरूर आएगा। तो आइए देख लेते हैं कि पिछले साल कैसे प्रश्न पूछे गए थे लगातार 5 सालों से। तो मेरे पास है पिछले 5 सालों का क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व पेपर। उम्मीद करता हूं कि आपके पास भी अनसॉल्व पेपर होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 2017 से। आप यकीन करेंगे 2017 के तीनों सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में तीनों में प्रश्न पूछा गया था। सेक्शन ए में एक नंबर में आपसे सवाल पूछा गया था, पर्यावरण शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या, संप्रत्यय क्या, अवधारणा क्या है, कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा क्या है। और 2017 के 8 नंबर में सवाल आपसे पूछा गया था कि वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करती है। यह भी एक पर्यावरण का हिस्सा है कि वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन कैसे ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ को। ये दो प्रश्न हो गया, ये 8, 1, 9 नंबर में हो गया। और आप यकीन करें 15 नंबर में भी आपसे एक सवाल पूछा गया था कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र का सविस्तार वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब इन डिटेल द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, पर्यावरण शिक्षा की अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र का वर्णन करना, उद्देश्य, महत्व, तो एक ही चीजें हो गई। तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया। तो आप देख सकते हैं 2017 में 8 नंबर में भी एक प्रश्न आया था, 15 नंबर में एक प्रश्न आया था, और एक प्रश्न 1 नंबर में भी आपसे पूछा गया था। तो अगर हम टोटल बात करें तो 24 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया था 2017 में। अब नेक्स्ट मूव करते हैं 2018 की तरफ। देखते हैं दोस्तों 2018 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे और टोटल कितने प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो 2018 में भी सिमिलरली 1 नंबर में एक सवाल आपसे ये पूछा गया था कि पर्यावरण के क्षेत्रों का वर्णन करिए, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के कैसे क्या क्या स्कोप है, क्षेत्र है, इसके बारे में बताना था। और 8 नंबर में कितना बेहतरीन और साधारण सा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जनसंख्या नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन करिए। मैंने आपको दो पॉइंट बताया ना, पर्यावरण शिक्षा और जनसंख्या, इन्हीं से रिलेटेड आपके प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो 2018 में आपसे 9 नंबर के दो ही प्रश्न आए थे, एक पर्यावरण का क्षेत्र बताना था और दूसरा जनसंख्या नियंत्रण से आप क्या समझते, जनसंख्या नियंत्रण के विधियों का वर्णन करना था। नेक्स्ट मूव करते हैं 2019 की तरफ, और 2019 में भी 1 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया था कि कॉन्सेप्ट क्या है पर्यावरणीय शिक्षा की। ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है कि पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। 2019 में एक और प्रश्न आपसे पूछा गया था 8 नंबर में कि पर्यावरणीय प्रकोप के दो प्रमुख कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करिए, मतलब डिस्क्राइब द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल हैजर्ड। पर्यावरणीय प्रकोप जो होता है ना, जैसे पर्यावरण खराब हो जाना, प्रदूषित हो जाना, तो इसके क्या कारण है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में हमें व्याख्या करना था। 8 नंबर में प्रश्न पूछा गया था, और 8वां में प्रश्न पूछा गया था कि भारत में जनसंख्या शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करिए। देखा आपने 17, 18, 19 में भी लगातार आपको प्रश्न मिल रहे हैं पर्यावरण से और जनसंख्या से। और एक और प्रश्न 2019 में 15 नंबर में पूछा गया था कि पर्यावरण हेतु आवश्यक वर्तमान दृष्टिकोण की व्याख्या करिए, मतलब कि अभी क्या नेसेसरी प्रेजेंट व्यू है, पॉइंट है एनवायरमेंटल को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, उसके बारे में आपको व्याख्या करना था। दोस्तों फटाफट से 2 साल के और देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे गए थे 2020 और 2021 में। तो उसी प्रकार से 2020 में पार्ट ए में 1 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, एम्स ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन, कि क्यों हम पर्यावरणीय शिक्षा देते हैं, क्यों हम पर्यावरणीय शिक्षा पढ़ाते हैं। और 8 नंबर में आपसे सवाल पूछा गया था कि भारत में पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकताओं का वर्णन करिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, बात ये की हो गई। यहाँ पे उद्देश्य पूछा गया था और यहाँ पे आवश्यकता पूछा गया था, एक नंबर में और एक 8 नंबर में पूछा गया था। और हाँ, 8 नंबर में आपसे एक और सवाल पूछा गया था
वो है जनसंख्या नियंत्रण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैंने आपसे कहा प्रायोरिटी शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या के बारे में कितने ज्यादा प्रश्न आए हैं, तो इस 2020 में भी आपके इन दो पॉइंट से टोटल 17 नंबर के प्रश्न आए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछले साल यानी कि 2021 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे आपको फोर्थ यूनिट से, वो भी देख लेते हैं। तो एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रायोरिटी शिक्षा की अवधारणा क्या है 2021 में एक नंबर में, और आपसे पूछा गया था 8 नंबर में दो प्रश्न आए थे प्रायोरिटी शिक्षा से कि भारत में प्रायोरिटी शिक्षा की आवश्यकता क्या है विवेचना करें, और एक और प्रश्न पूछा गया था कि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या है इस पे विवेचना करें। और आपने देखा 2017 से लेकर 21 तक कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि प्रायोरिटी शिक्षा क्या होती है, उसका अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति, क्षेत्र, आवश्यकता, उद्देश्य। ये बहुत ही आसान और साधारण टॉपिक है, आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होंगे, आप जरूर इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं। एक छोटी सी कोशिश की गई है तनुश्री मैम के द्वारा, एक वीडियो बनाया गया इस थंबनेल के साथ, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें यह एक्सप्लेन किया गया है कि वास्तव में प्रायोरिटी शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, प्रायोरिटी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य, उसके क्षेत्र और उसका महत्व क्या है, इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप जरूर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लिक करते ही आप डायरेक्ट इस वीडियो तक आ सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा कमेंट किए गए शब्दों से मुझे मोटिवेशन, अभी प्रेरणा मिलती है जो कि मुझे इंस्पायर करती है और ज्यादा वीडियोस बनाने में और ज्यादा इस प्रकार के रिसर्च आपके लिए लेकर आने में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ चीजें समझ में आई होंगी, पेपर समझ में आया होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और थोड़ा बहुत टेंशन कम हो गया होगा कि हाँ कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा, अगर हाँ तो लाइक बटन पे क्लिक करके मेरा हौसला अफजाई कर सकते हैं, एक्चुअली आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और आपके कमेंट मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं, तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दे। और अगर अभी तक आपने नीचे लाल बटन के सब्सक्राइब को क्लिक नहीं किया तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे मार दीजिए, मेरी अगर बात नहीं मानते इनकी बात मान लीजिए, ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए ठीक है, अब चाहे इनके सपोर्टर हो या ना हो प्लीज बात मान लीजिएगा, और थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, बाकी अपनी वैल्यूएबल राय कमेंट में जरूर दें, हम ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को आप जरूर देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और खास सूचना, अगर आपके पास यह 5 सालों का क्वेश्चन पेपर नहीं है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल का है, उसको क्लिक करिए, ज्वाइन करिए और वहां पे मांगिए, आपको पिछले 5 सालों का क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो से, वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।